हेलो गाइस, तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 2, व्यापार साम्राज्य, कंपनी की सत्ता स्थापित होती। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में औरंगजेब के बारे में जाना था, और इसमें कहते जो कंपनी थी, वो जो पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत किस तरह से आई, और इसमें प्लासी के युद्ध के बारे में जाना था, और बहुत सारी चीज़ें उसमें जानी थी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसे जल्दी से जल्दी जाके देख ले। चलिए तो शुरू करते। तो आज हम पढ़ने वाले थे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। इसमें कहना चाह रहे जो कंपनी था, मतलब जो एक कंपनी होती है उसके जो अफसर थे, वही मतलब वही अपनी कंपनी को खुद ही चला रहे थे। तो चलिए पढ़ते इसका क्या वो है, अर्थात नवाब बनने का क्या मतलब था। अब इसमें पूछा है नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। अगर देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि कंपनी नवाब बनने का क्या मतलब है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि इसका यह मतलब है कि खुद की सत्ता और खुद की ताकत। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। जो इसके फायदे थे वो, मतलब जो कंपनी के जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह थे, सफाई मेंबर्स वगैरह, वो भी ना नवाब बनने के ना ख्वाब में जीने लगे। ख्वाब में यानी कि मतलब एक अंदर से एक सपना, मतलब जैसे हम नींद में सपना देखते हैं ना, उसी की तरह हम एक ख्वाब को मान सकते हैं कि अपना अरमान, अपनी चीज़ें। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल ने असली नवाबों को इस बात के लिए बाध कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा देंगे। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था, तो उसमें वो नवाब कह रहे हैं प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाब को, बंगाल के जो असली नवाब कौन थे, सिराजू तोला, उनको इस बात के लिए बांध कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पे ज़मीन और कुछ पैसे देंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइम ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई आया, तो उसकी उम्र 18 साल थी। जो रॉबर्ट क्लाइम थे उनकी उम्र कितनी थी 1743 में, 18 वर्ष। 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए, तो उनकी दौलत 401 पौंड के बराबर थी। कितने के बराबर थी? उनकी जो दौलत थी 401 और 102 सॉरी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्य में अपनी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। जो रॉबर्ट क्लाइम थे उन्हें ना 1772 में ना उन्हें खुद अपनी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उन्हें ना खुद अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उनकी अंकुश संपत्ति के स्रोत संदेहस्त लगने लगे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो यह कर दिया गया कि 1774 में उसकी आत्महत्या कर ली गई। किसने आत्महत्या कर ली? रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की इस दौलत को इकट्ठा नहीं कर पाए। मतलब जो सब लोग जो कंपनी के अफसर थे, वो सब चाहते थे कि हम भी जो रॉबर्ट क्लाइव है उनकी तरह दौलत, बेशुमार दौलत जो है वो इकट्ठा कर सके। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम ही उम्र में मौत का निवाला बन गए। जो कंपनी के नवाब थे वो बहुत ही कम उम्र में ना जल्दी जल्दी मरे गए लड़ाई वगैरह में। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेमान मानना भी सही नहीं होगा। उसमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसे कमाए, ब्रिटेन लौट कर आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। तो बहुत सारे जो व्यापारी थे उनका बस एक यही इरादा था कि जो भारत है, भारत में ना वो लोग ना बस ना अच्छे से ना कहते हैं ठीक ठाक कमा ले भारत में, और ब्रिटेन जाके ना वो लोग एक ना आराम जिंदगी व्यतीत कर सके। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वह आलिशान जीवन, जो जीते जी मतलब जो जिंदा हो के अपने देश लौट के, वो तो उन्होंने तो बहुत बेशुमार दौलत कमाई, मतलब बहुत बेशुमार दौलत भी कमाई और आलिशान ज़िंदगी भी जी।
उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। उन्हें वहाँ के लोग क्या कहते थे? नवाब। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी वर्णन किया गया है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरी और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे। नाटक और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1777 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय कब्जों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। देखिए, जो 1757 से लेकर 1857 तक उसके बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के राज्यों पर कब्जा किया गया, तो उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक अर्थ कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी के राजनीतिक वैश्विक प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगी थी। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको ठीक बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। जो मतलब कंपनी के कि अगला राजा कौन होगा, अगला मंत्री कौन होगा, इन सब की चीज़ें जो थी वो कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासत पर सहायक संधि भी थोप दी। कौन सी वो संधि थी जिसको रियासतों ने थोप दी? कौन सी संधि का नाम था? सहायक संधि। सहायक संधि को थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती है उसे अपनी स्वतंत्र सेनानी का अधिकार नहीं रहता। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना को रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो उसे जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी में कब्जा कर लेते। देखिए, इसमें क्या था कि जो लोगों से बोल लिया जाता था जो रकम अदा करनी थी, जो लोग नहीं कर पाते थे उसके बदले वो जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका था वो कंपनी के जो कंपनी के जो अफसर थे वो उसे कब्जे में ले लेते थे। ले लेने के बाद, उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजी गवर्नर जनरल 1758 से 1805 था। देखिए, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 1798 से लेकर 1805 तक कौन जनरल गवर्नर था, तो उसका नाम क्या है? रिचर्ड वेलेजी जनरल गवर्नर। देखिए, जैसे आप इसमें आगे देखते हैं, उस समय के अवध को नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छिन गए। देखिए, आप चित्र सात में देखिए, अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंस के साथ खड़े नवाब सिराजु तोला टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। तेल 1772 में बॉक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजु तोला के ज़्यादातर अधिकार छिन गए थे। देखिए, इसमें बताया कि जो बॉक्सर की लड़ाई के बाद जो सिंधिया थे ना, उसमें से जो सिराजु तोला थे उनकी ना बहुत सारी चीज़ें ना छिन गई थी। लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे थे। देखिए, इस फोटो में वो जो सिराजु तोला थे वो तो मतलब बहुत ठाट से ना वो इस फोटो में दिखाई दे रहे। और देखिए, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आ गए। जैसे फर्स्ट शब्द है निर्देश ध्याय मतलब निर्देश। उसके बाद है अधीनस्थाता, डब्बूपन। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। जैसे आप चित्र आठ में देख रहे हैं टीपू सुल्तान की फ़ोटो, ये कुछ इस तरह से टीपू सुल्तान दिखते हैं। जब कंपनी को अपने, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टीपू सुल्तान को देखिए, बहुत सारे लोग शेर ए मैसूर से जानते थे।
चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देगा तो कंपनी के प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाए। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझाई जाती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके वित्त पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799। देखिए जो है टीपू सुल्तान थे वो किन के पुत्र थे? हैदर अली के। और हैदर अली ने अपना शासनकाल कब तक चलाया? 1761 से 1782 तक। और जो उनके बाद जो टीपू सुल्तान उनके बेटे राजा बने, नवाब बने, तो उसके बाद उन्होंने, और ये कहाँ की बात हो रही है? मैसूर की, ठीक है। जो टीपू सुल्तान उन्होंने अपना शासनकाल कब से चलाया? 1782 से लेकर 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। काली मिर्च और इलायची कहाँ से खरीदते थे वो लोग? मालबार तट पर, मालबार तट के जो ये टी मैसूर का था वहाँ से। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पकड़ने वाले बंदरगाह के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का नियंत्रण रोक दिया। जब टीपू सुल्तान ने उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने मतलब इसको जल्दी से मतलब रोक दिया कि जो उस तट पे बंदर के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का नियंत्रण उन्होंने रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागर को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। सुल्तान ने जो कदम उठाया, टीपू सुल्तान ने उनके इस बात से जो अंग्रेज थे वो मतलब आग बबूला, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते रहे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजा को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार जंग हुई। अंग्रेज की मैसूर के साथ कितनी बार जंग हुई? 4 बार। और देखते हैं 4 बार कौन कौन से सन में जंग हुई। 1768 से लेकर 1769 तक, फिर उसके बाद 1780 लेके 1784 तक, फिर उसके बाद 1790 से लेके 1792 और लास्ट था 1799। श्री रंगनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। उसकी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पूरे विडायक और रंशवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देखिए सहायक जो टीपू सुल्तान थे वो कौन सी जंग में मारे गए? जो उनकी मैसूर की राजधानी जो थी श्री रंगनम पट्टनम, उनके मतलब उनकी उनके बचाव में तो उन्हें बचाने के लिए वो मारे गए। देखिए चित्र 9 में देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कारवानिया के सामने पेश किया जा रहा है, डैनिंग ओम द्वारा चित्र 1793। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। कंपनी की फौज में जो हैदर अली और टीपू सुल्तान को कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा और हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी के संयुक्त फौजी के हमले पर टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटे और अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसा दृश्य की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिसमें अंग्रेज़ की सत्ता विजय दिखाई देती है। जो लोग थे उन्हें ना ये जो ऐसी तस्वीर बहुत मजा आता था बनाने में जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई हो। देखिए नीचे चित्र 10 में देखिए ये टीपू सुल्तान का शेर। देखिए ये टीपू सुल्तान जो मतलब जब छोटे थे तो उनका देखिए कुछ इस तरह से वो मतलब वो ना इस तरह के खिलौनों से खेलते थे। देखिए इसमें क्या बता रही है। टीपू का एक विशाल एक मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एवं एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया। ये खिलौना कहाँ पे रखा गया है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्री रंगनम पटना की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेज़ इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। उनकी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 को।
और देखिए यहाँ पे बताया टीपू की कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्राचलित किस्से में उनकी ताकत का खूब याचन किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता था कि एक बार वे अपने फ्रांसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने हिलते की शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी बात से उन्हें शेर मशहूर कहने जाने। अगर आपसे कोई पूछेगा कि शेर मशहूर किसे मतलब कैसे कहा गया उन्हें, तो आप इस कहानी से बता सकते हो उन्हें। उनके राजसी झंडों पर भी शेर की तस्वीर होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मराठों की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।